वबरकातुहु। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ चिकन दम बिरयानी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1.25 किलो चिकन लिया है। चिकन मैंने साफ करके रोस्ट करके रख लिया था। इसमें हमें चाहिए कांदा 1/2 किलो, टमाटर 3 बड़े, 8 से 10 हरी मिर्ची, 2 टुकड़े अदरक के और 10 से 15 लहसुन की कली, इसको हमें ग्राइंड करना है। और मैंने इसमें ये हैं डालने के लिए अच्छे गरम मसाला, 3 से 4 तेज पत्ता, 3 स्टार फूल, 4-5 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 बड़ी इलायची, 4 लौंग, छोटा टुकड़ा जायफल का, 1 जावित्री छोटा टुकड़ा, जीरा और काली मिरी। ये मैंने खड़े मसाले, हमें मसाले भूनते समय डालने हैं। और ये कांदा मैंने 4 से बड़े 4 कांदे लिए हैं, जो मैंने काट कर रख लिए हैं। इसको हमें फ्राई करके साइड में निकालना है और इसमें लगेगा हमें मसाला। दम बिरयानी की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच, मैंने ये मगज़ लिए हैं, 3 चम्मच मैंने दालिया ली है, ये दालिया चना भुना हुआ आता है उसकी दालिया है, और ये 3 चम्मच मैंने काजू लिए हैं, और ये थोड़ी सी सौंफ ली है। ये सब हमें पीसना है। और मैंने इसमें मसाले में डालने के लिए लिए 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और तीखा आपको जितना चाहिए वो अपने हिसाब से आप मिर्ची इतना तीखी डाल सकते हैं। मेरे यहाँ जैसा बनता है मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। तो अभी हम यह प्याज छोटे टुकड़े में काट रहे हैं, और इसको हम प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक सब पीस लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ रहे हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने टॉप चढ़ा दिया है और इसमें मैंने तेल डाला है। तेल के बाद मैंने कांदा डाल के इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया था, और अब देखो धीरे धीरे ये फ्राई होने लगा है, और जब ये लाल हो जाए तो इसको हमें अलग प्लेट में निकाल लेना है। तो दोस्तों, हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है, हमने साइड में निकाल ली है। अब जो बचा हुआ तेल है उसमें हम लोग ये गरम मसाले सब डाल देंगे, और जो हमने ये लहसुन अदरक हरी मिर्च और टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था, ये हम इसमें डाल के हम फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा सामान भूल गई थी, ये पुदीना और ये धनिया पत्ती, ये भी हमें इसमें डालनी है। तो दोस्तों, जो मैंने दालिया लिया था ये हम मिक्सी ग्राइंडर में डाल, दालिया और ये काजू, और ये मैंने थोड़े मसाले लिए हैं पीसने के लिए, 15 काली मिरी है, 1 छोटी जावित्री है, दालचीनी है, 4 से 5 लौंग है, जीरा है और ये सौंफ है, ये हमें इसके साथ में ही पीस लेनी है। तो दोस्तों, मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ। जो मैंने बासमती चावल लिया है इसे धोकर मैंने वॉश कर भिगा के रख दिया है 1 घंटे के लिए लिया था। अब इसको हमें नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर फ्राई करना है। तो दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हल्का सा तेल डाला है ताकि चिकन ना चिपके, और ये चिकन मैं इसमें फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ। मैंने ये चिकन में 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है, और 2 चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी जो मैंने पीसा हुआ था, और इसको अच्छे से फ्राई करना है इसमें डालकर। तो दोस्तों, हमारा मसाला हो चुका है, और जो हमने ये मसाले लिए हैं ये अभी हम इसमें डाल के मिला लेते हैं और इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये छोटे भगोने में पानी चढ़ा दिया है। मैंने जो 1 किलो चावल लिए हैं वो इसमें उबालने हैं, और चावल हमें सिर्फ 50% ही उबालने हैं। मैंने चावल में 3 चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। बस इसमें ऑयल डालना है ताकि चावल हमारे चिपके नहीं, छोटे छोटा बन जाए। तो दोस्तों, जो हमने ये काजू और दालिया का पेस्ट बनाया था ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको डाल के भी अच्छे से हम लोग भून लेते हैं, और जब तक हम इसे भूनना है जब तक इसमें तेल ना छूट जाए। ये मैंने 1 टीस्पून चिकन मसाला डाला है इसमें, और 2 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें टमाटो सॉस,
तो दोस्तों मैंने ये 6 से 7 आलू लिए हैं, इसके हम छोटे टुकड़े कर बड़े टुकड़े कर लेते हैं, सॉरी 1 के 2 करने हैं। मेरे बच्चे आलू खाते हैं इसलिए मैं इसमें आलू भी डाल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से डालिए या आपकी मर्जी है। ये मैंने धनिया पत्ती कटिंग करी थी, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ये पुदीना के पत्ते हैं, ये भी मैं इसमें ऐसे ही डाल देती हूँ। ये डालकर इसको खूब अच्छे से भूनना है, जब तक कि हमारा ये मसाला घी ना छोड़ दे तब तक इसे भूनना है। तो दोस्तों हमारे चावल का पानी उबल चुका है, अब इसमें हम चावल डाल देते हैं उबाइल करने के लिए। ये चावल हमें सिर्फ 50% ही पकाना है, बाकी चावल जो हमारा दम में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा मसाला भून चुका है, अब हम चिकन भी इसमें डाल देते हैं पकने के लिए। इसको हम 5-10 मिनट पकाएंगे। तो दोस्तों हमारे चावल ये पक चुके हैं 50%, बस हमें इतना ही चावल गलाना है, बाकी चावल हमारा ये दम में गल जाएगा। चावल का पानी हम पूरा निकाल देंगे, उसके बाद में इसे दम में रखेंगे। अब इसमें हम चावल की परत लगाएंगे। तो दोस्तों मैंने चावल की एक परत लगा दी है, इसमें थोड़ा सा हम लोग फूड कलर डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे फ्राई किया हुआ कांदा। थोड़ा कांदा हम बचा लेते हैं, ये इसके ऊपर वाली तेपर लगाएंगे। फिर हम लोग वापस चावल लेंगे और ऐसे ही इसकी परत दोबारा से लगा देंगे। तो दोस्तों फिर वापस से इसमें हम कलर डालेंगे जो हमने लिया हुआ है, ये थोड़ा सा ये फूड कलर है। मैंने टमाटर रेड लिया है, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, ग्रीन भी डाल सकते हैं, ऑरेंज भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ कांदा वापस से लगा देंगे। तो मैंने चावल की परत लगा दी है दोस्तों, अब मैं इसे पेपर से बंद करूंगी। तो दोस्तों मैंने पेपर लगा के इसको दम करने के लिए रखना है, ये हमारी दम बिरयानी है तो इसके लिए हमें इसे पेपर लगाना जरूरी है। ये पेपर लगाकर हम इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको स्लो गैस पे रख देंगे, मीडियम गैस पे रखेंगे। मैंने गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है, अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे और एक पानी का भरकर छोटा सा टॉप इसके ऊपर रखेंगे ताकि इसकी भाप कहीं से नहीं निकले। तो दोस्तों मैंने ये ढक्कन ढककर गैस पे स्लो गैस पे रख दिए हैं और ये मैंने पानी भर के रखा है इसके लिए कि ताकि इसमें से कहीं से भाप बाहर ना निकले। तो दोस्तों मुझे ये दम बिरयानी रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट बाद में इसका ढक्कन खोल के देखती हूँ। मसाला हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, देखो कितनी चिपाप आ रही है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, पूरे घर मेरा खुशबू से महक गया है। आप भी मेरी बनाई हुई रेसिपी से दम बिरयानी ट्राई कीजिए और आपको अगर पसंद आई मेरी बनाई हुई बिरयानी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।